हाय एवरीवन, सो ये है फॉर्मिक शीट। ये फ़ोन जिसका हम बैक कवर बनाएंगे, ये कवर है। हमने तीन फ़ोनों के कवर लिए थे ताकि हम सीज़र, आपको दिखा सके अच्छे तरीके से। पेंसिल, ये वो चीज़ें जो हमें चाहिए, जो हम इसमें यूज़ करेंगे। हम बैक कवर बना रहे हैं फ़ोन के, इसी वजह से ये चीज़ों का इस्तेमाल होगा। 3 कवर बनाएंगे फॉर्मिक शीट से। आप भी ऐसे बना सकते हैं। इजी, हर कलर के आप बना सकते हैं फॉर्मिक शीट हमने लेकर। 2 कलर लिए हैं, ब्लैक एंड रेड। हमने क्लिपबोर्ड यूज़ किया, इसके ऊपर रखकर ये फॉर्मिक शीट हमने कवर का बैक कवर लिया और पेंसिल से इसका स्केच बनाएंगे। फॉर्मिंग शीट को उल्टा करके बनाएंगे, जो उसका वाइट वाला हिस्सा नहीं होता उससे। अच्छे से इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखे, ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छे तरीके से आप कटिंग करें, कहीं से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं सुकून से कर रही हूँ ना, वैसे आप सब भी सुकून से करें। मुझे लगा कि हर कोई चाहता है कि हमारे फ़ोन के अच्छे कवर हों, इसी वजह से मैंने आपके साथ ये शेयर किया, ताकि आप जौन सा सूट पहने ना उसके साथ मैचिंग भी कर सकते हैं। हर ग्लिटर शीट का कवर बना के कहीं पे जाना हो, एमरजेंसी पीछे कवर लगाया अपने सूट के मैचिंग का और चले गए, बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद ऐसा करूँगी। मैंने 2-3 बनाए हैं अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए और अपने भाई के लिए। बाकी भी मैं लेकर आऊँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, हर कलर के। आप भी हर कलर के बना कर रख सकते हैं। फंक्शनों में ना बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली रात के फंक्शन में ये चमकते हैं ना, उसकी वजह से। ये सेंटर वाला पार्ट बहुत मुश्किल होता है कट करने के लिए, इसी वजह से ज़रा इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। इसकी स्पीड इसलिए नॉर्मल रखी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, डिटेल में मिल सके सब कुछ। इस पे इतनी मेहनत नहीं लगती, बस एक माइंड होना चाहिए बनाने के लिए। ये देखें, जैसा फ़ोन का कवर था मैंने सेम वैसे ही बना लिया। अब इसके अंदर इसको रखेंगे और अच्छे तरीके से दबाएंगे। मैं अभी आपको ना और बना के फाइनल लुक इसका दिखाऊंगी बाद में। इसी को भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। जैसे उसे कटिंग की थी वैसे ही सेम इसे करेंगे। आप सब भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी है।
सो गाइस ये हमने उसके बाद में बनाए थे ये ऊपर स्माइली ताकि और अच्छे लगे। सो ये था हमारा फाइनल लुक। कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।